नमस्कार। इस ट्रेनिंग श्रृंखला में हम बात करेंगे कि हम किस तरह शूट करें कि हमारी वीडियो स्वाभाविक लगे। वीडियो देखते समय लोगों के सामने अलग अलग शॉट्स बहुत ही आराम से एक से दूसरे पर जाने चाहिए। दो शॉट्स के बीच एक सहजता या निरंतरता होनी चाहिए। दर्शक को यह नहीं लगना चाहिए कि अचानक से कुछ और ही सामने आ गया, इससे वीडियो अस्वाभाविक लगेगी। अगर हम कुछ नियमों का पालन शूटिंग के दौरान करेंगे तो हम शॉट्स के बीच निरंतरता बनाए रख सकते हैं। 30 डिग्री वाला नियम, इनके बारे में हम थोड़ी और गहराई से जानते हैं। जब हम एक ही जगह अपना कैमरा रखकर एक ही चीज शूट कर रहे हों और कैमरा की रिकॉर्डिंग कई बार बंद और चालू करके एक ही तरीके का शॉट ले रहे हों, तो इन शॉट्स को एक साथ देखते समय दृश्य में एक झटका सा लगता है। मान लीजिए कोई किसान दीदी बाकी दीदियों को किसी खेती की तकनीक पर सावधानियां और संदेश दे रही है, तो ऐसा कई बार होता है कि हमारी दीदी एक ही बार में सही वाक्य नहीं बोल पाती। उस समय हमें अपना कैमरा बंद करके अलग अलग वाक्यों के अलग शॉट्स लेने पड़ते हैं। यदि हम अपना कैमरा उसी जगह रखकर 3-4 शॉट्स लेते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। धान का बीज हम कैसे तैयार करेंगे, उसमें क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी होगी, उसके बारे में दीदी आप बताइए। नमक के पानी में अच्छा उसमें घोल बना करके अच्छी तरह उसको 4-5 पानी से धो देना है। उसके बाद उसको छान करके अच्छा पानी में उसको 20 घंटे तक उसको फूलने के लिए रख देना है। उसके बाद बेबिस्टिन मिलाना है। तो बेबिस्टिन मिलाने के लिए क्या सावधानी आपको बरतना है, कि आप हाथ में दस्ताना या पन्नी लगा करके उसको मिलाई। अब आपने ये ध्यान दिया होगा कि इन शॉट्स को देखते समय दृश्य में एक झटका सा दिखता है और बहुत प्राकृतिक नहीं लगता। इसमें निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें 30 डिग्री वाला नियम मानना चाहिए। यह नियम यह बताता है कि हमें दो शॉट्स के बीच में कम से कम 30 डिग्री का अंतर रखना चाहिए। 30 डिग्री से ज्यादा अगर हम कैमरा को दूर रखते हैं तो शॉट बदलने पर हमें झटका नहीं दिखेगा और दृश्य में कोई अनिरंतरता नहीं मालूम पड़ेगी। अब यही शॉट्स जब 30 डिग्री के नियम का पालन करके लिए जाएं तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। निमास्त्र के प्रयोग करे से ओमे होइ छै कि फसल में जे कीड़ा लगै छै ओकर नाश हो जाइ छै। दूसरा है कि निमास्त्र बनाबे में कोई खर्च न है, और तीसरा फायदा है कि निमास्त्र के छिड़काव से पेड़ पौधा स्वस्थ होत और अच्छा फसल उगत। हम एक और नियम का पालन कर सकते हैं, यह है अलग अलग प्रकार के शॉट्स का इस्तेमाल करना। हमने पिछली एक प्रशिक्षण श्रृंखला में सीखा था कि कई प्रकार के शॉट्स होते हैं, जरूरत के अनुसार हम अलग शॉट्स ले सकते हैं। जब दीदी सावधानी के बारे में बता रही है तो बीच वाला शॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब ये संदेश दे रही हैं तो उनका पास वाला शॉट लिया जा सकता है। देखते हैं कैसे। उसके बाद उसको बेबिस्टिन मिलाने के लिए एकदम सतर्क रहना है। उसके लिए आप दस्ताना या पन्नी पहन करके अच्छी तरह उसको मिला देना है। उसके बाद उसको जूट के बोरे को लपेट करके 24 घंटे तक उसको छायादार जगह में रख दीजिए। इन दो नियमों के अलावा एक और नियम है, 180 डिग्री वाला नियम। मान लीजिए जीविका सहेली किसी गर्भवती महिला के घर उनसे संतुलित आहार के बारे में बात करने आती है। जीविका सहेली और दीदी एक दूसरे के सामने बैठकर बात करती हैं। अब जरूरी यह है कि हमारा कैमरा पूरे समय अलग अलग शॉट्स लेते समय एक ही तरफ रहे, दूसरी तरफ ना जाए। यदि जीविका सहेली कैमरा के बाईं तरफ है तो वो उसी तरफ रहे, और दीदी दाईं तरफ है तो उसी तरफ रहे।
देखिए दीदी, गर्भवती महिला को कैसे क्या करना है, अहाँ के जानकारी है? दीदी ना जानकारी नहीं, जानकारी है। गर्भवती महिला को 6 बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। वजन में उसको करना है क्या कि वजन में उसको हर एक महीना में 1 किलो वजन उसको बढ़ना चाहिए, ठीक है। और गर्भवती महिला को आयरन गोली एसिड 3 महीना में 100 गोली खाना है, 1 गोली रोज। अगर इस नियम का उल्लंघन होता है तो देखते हैं कि क्या होता है। पहला जांच होता है गर्भ के पता चलते ही, और दूसरा जांच होता है 1 से 2 महीना के बीच, और तीसरा जांच है 5 से 6 महीना के बीच, और चौथा जांच 9वां महीना जो होता है ना उसके फर्स्ट सप्ताह में। उसको ना आंगनबाड़ी केंद्र में जाके और पंजीकरण करवाना है। पंजीकरण का मतलब है कि नाम दाखिला करवाना, ठीक है। ये देखने में बिल्कुल ही अजीब और गलत दिखता है। जिसे जहाँ होना चाहिए था वो उससे उल्टी दिशा में है। भैया राम राम। भाई राम राम, काय करी रे? चारू नींदी यार। चारू नींदी रे नी? भैया चना कतरा दिन का हो गया? ये 20 से 25 दिन का ही क्या? कतरा हो गया नहीं। एक काम अपन नहीं, आज फेरोमोन ट्रैप लगाओगे अपना। ये चना है नी, चना में इल्ली आने से पहले अपन को जो डिब्बी फेरोमोन ट्रैप लगाना से तो पता चली जाए। फ्रेम में अंदर आना और फ्रेम से बाहर जाना, पहले वाले नियम की तरह ही हमें दिशा का ध्यान रखना होता है जब लोग हमारे फ्रेम में अंदर आते हैं और फ्रेम से बाहर जाते हैं। जैसे यदि कोई दाएं से बाएं जा रहा है तो वो हमारे फ्रेम में दाएं से अंदर आएगा, बाएं दिशा में चलेगा और फ्रेम से निकल जाएगा। अब जब हम उसका दूसरा शॉट लेंगे, जैसे कि जब वो घर के अंदर आ रहा है, तो फिर हम उन्हें दाएं से अंदर आते हुए ही दिखाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए कैसा लगेगा। हमेशा शूटिंग करने से पहले हमें अलग अलग शॉट्स की सूची बना लेनी चाहिए, जिससे हम शॉट्स का भरपूर फायदा उठा सकें। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे कुछ ही नियमों का पालन करने से हमारी वीडियो कितनी स्वाभाविक लगती है और एक शॉट से दूसरे शॉट में जाने में सहजता रहती है। इन सभी नियमों को ध्यान में रखिए, बढ़िया वीडियो बनाइए जो दर्शकों को पसंद आए।